यह किताब भोपाल के गैस रिसाव के दुर्घटना को केंद्रित कर लिखी गई है। लेखिका लता तेजेश्वर रेणुका ने बहुत सुंदर से ये साइलैब को प्रस्तुत किया है। चलिए सुनते हैं उनके उपन्यास का पहली कड़ी, जो आज से शुरू होती है और हर हफ्ते आपके सामने होगी। अध्याय एक के तरफ सैलाब। अध्याय एक। सतायो पलंग से उठकर बैठा। नींद ना आने के कारण वैसे भी परेशान था। ऊपर से गर्मी, कुछ देर पहले ही बिजली गुल हो गई थी। आधी रात को बिजली चले जाना वहाँ कोई नई बात नहीं थी। शहर से दूर स्थित उसके गांव में अक्सर दिन में आधे समय इलेक्ट्रिसिटी का गुल रहना आम सी बात है। बिजली गुल होते ही मच्छरों का राज शुरू हो जाता था और उनका काटना भी सहना पड़ता था। सतायु ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। चांद रात के भय से कहीं चुपचाप बादलों के बीच छुप गया था। गहरे अंधकार में लंबे घनेरे पेड़ खूब भयानक दिख रहे थे। हवा में लहराते हुए उन पेड़ों की डालियां उनके अंग अंग डोलते हुए नृत्य कर रहे थे। सरसराती हुई हवा से उन पेड़ों की परछाइयां ऐसी नज़र आ रही थी जैसे सन्नाटे में लहराते हुए वे हाथ पसारे किसी अनहोनी को दावत दे रहे हों। दूर से उल्लू की चीख और चमगादड़ की फड़फड़ाहट रात को और भी भयानक बना रही थी। घने बादलों के बीच निकलता हुआ चांद बादलों से छुपा छुपी खेल रहा था। शांत शीतल हवा अलकों को सहला रही थी। औरों की तरह सतायु का भी एक हंसता खेलता परिवार था। उसके घर का आंगन कभी सूना नहीं रहता था। माँ के हाथ की बनाई हुई रंगोली और रात रानी की भीनी भीनी खुशबू एक साथ सुंदरता और महक बिखर देते। माँ, बाबूजी, दादा, दादी, मौसी सब एक साथ खुशी खुशी जिंदगी काट रहे थे। सतायु के पापा भोपाल की एक निजी कंपनी यूनियन कार्बाइड में मैकेनिकल इंजीनियर थे। उस कंपनी में काम करते हुए कई लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जितना ज़रूरी था उतना अपने परिवार के लिए कमा लेते थे। कंपनी की परिधि में रहते उनका कंपनी के प्रति पूरा समर्पण भाव था, क्योंकि उसी से उनकी जीवन का हर ज़रूरत पूरी होती थी। लेकिन शायद खुदा को और कुछ मंजूर था। एक मानवीय दुर्घटना ने अभिशाप की तरह कहर बरसा दिया। एक दिन उसी कंपनी के कारण कई घर उजड़ गए। बच्चों की जिंदगियां रेगिस्तान में पानी की तरह तड़पते पथिक की भांति पिता माता के स्नेह के लिए तड़पते रह गई। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग अपनों को खोकर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तब से कई बच्चे और बड़े अनाथ लाचार अपाहिज की तरह एक अच्छे जीवन के लिए तरसते रह गए। आज भी भोपाल की मिट्टी पानी वो वायु में जहर इस तरह घुला हुआ है कि तीन पीढ़ियों से लोग अभिशाप ग्रस्त जीवन जी रहे हैं। रात के करीब 2 बजे थे। रात भर उसकी आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी। मन बेचैन, दिमाग में तरह तरह की यादें उसे परेशान कर रही थी। मन में लाखों विचार, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। पलंग पर करवट लेते सतायु असहनीय महसूस कर रहा था। दिमाग न जाने क्या क्या सोच रहा था। गुजरे कल की कुछ तस्वीरें
मन के पटल पर रह रह कर दस्तक दे रही थी। वह किसी भी तरह रात के गुजर जाने का इंतजार कर रहा था। ऐसी न जाने कितनी भयानक रातें आकर गुजर गई हैं उसकी जिंदगी में, फिर भी हर बार वही यादें, वही रातें, वही भयानक सपने रह रह कर उसके मन में उथल पुथल मचा कर रात रात भर उसको परेशान करते थे। कुछ कड़वी यादें मन में आते ही दिल को निचोड़ कर रख देती थी। रात को चौंकते हुए उठ जाना तो उसकी आदत में शामिल हो गया था। अंधेरी कोठरी में उन काली रातों की यादों को भुलाने का प्रयत्न कर रहा था। जब भी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता, कोई साया सपने में आकर मन को विचलित कर देता था। उसने आकाश की ओर देखा, आकाश में सूरज के उदय होने में बहुत समय था। वह हाथ को चेहरे पर रखकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद भला कैसे आती। एक के बाद एक विचार उसके दिमाग में जैसे घर कर रहे थे। चेहरे पर से हाथ हटाकर देखा, कमरे में अब भी अंधेरा राज कर रहा था। एक छोटा सा बल्ब दूसरे कमरे में जल रहा था। शायद इसीलिए हल्की सी रोशनी से उसका कमरा धुंधला सा नज़र आ रहा था। उस कमरे में सतायु के पलंग के साथ एक टेबल रखी हुई थी, जिस पर कुछ किताबें, कलम और एक पुराना टेबल लैंप रखा था। सतायु को रात में उठकर पानी पीने की आदत है, इसलिए बेबे ने बेबे ने पानी भरे लोटे पर एक ग्लास को उल्टा ढककर टेबल पर रख देती थी। कमरे में टेबल के सामने अब भी वही पुराने चेयर रखी है जो वर्षों से उसकी खिदमत में हाजिर है। कमरे के एक कोने में लकड़ी से बनी एक अलमारी रखी है, जिस पर बहुत सी सुंदर से नक्काशी की गई है। वह सतायु की बहुत पसंदीदा अलमारी है, क्योंकि उस अलमारी के साथ सतायु की बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हैं। इस अलमारी को सतायु की माँ ने बड़े चाव से खरीदा था। उसके एक कोने में अब भी उनके कपड़े रखे हुए हैं। जब भी सतायु को माँ की याद आती, वह उन कपड़ों को गले लगाकर रोकर मन का बोझ हल्का कर लेता। इस अलमारी को सतायु अपनी जान से ज़्यादा संभल कर रखता था। उस कमरे की दीवार कुछ घिसी गई थी, जैसे कि दीवारों पर बहुत दिनों से रंग नहीं लगाया है। दीवार की एक तरफ एक खिड़की है जो रात को मच्छरों के भय से बंद रखनी पड़ती है। दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें टंगी हुई हैं, जिन पर फूलों के हार चढ़ाए हुए थे, जो अंधेरे में साफ साफ नज़र नहीं आ रही थी। कमरे के दूसरे कोने में एक स्टैंड रखा हुआ है, जिस पर कपड़े सजा कर रखे हुए हैं। उस कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए एक दरवाज़ा था जो अंदर से खुलता है। दरवाज़ा खुलते ही दूसरे कमरे की सजावट कुछ हद तक दिखाई देती थी। उस कमरे में सतायु की बेबे रहती है। उसकी सजावट कुछ खास नहीं थी, बस एक कोने में दो चेयर और एक छोटी सी मेज़ रखी हुई है। उसकी एक दीवार पर एक ऐनक टंगी हुई है, साथ कुछ ज़रूरी सामान भी रखा हुआ था। देखा जाए तो बस जिंदा रहने के लिए दो लोगों के लिए जितनी चीज़ें आवश्यक हैं, उतनी ही चीज़ें उस घर में मौजूद थी। कमरे से पीछे की तरफ देखें तो एक छोटा सा रसोई घर, एक कोने में चूल्हा और साथ साथ कुछ बर्तन रखे हुए थे। एक वीरान सा घर जिसमें दो प्राणी रहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी दिन था जब उसका घर भी रौनक से भरा हुआ था। सतायु के माँ, दादी, दादा, बाबा, इन सब से घर हमेशा खुशहाल रहता था। माँ बाबूजी के प्यार से खिलखिलाती हुई एक नन्हा बच्चा जो संपूर्ण परिवार की आँखों का तारा था। माँ के गोद में सारा जहाँ का प्यार उसे मिल रहा था,
जिसका वह पूरा हकदार था। लेकिन कुदरत के सामने कौन भला क्या कर सकता है। आज माँ की कुछ यादों के अलावा उसके जीवन में बाकी सारी चीज़ें गायब हो गई है। बस कुछ यादें हैं जो सतायु के जहन में आज भी ताज़ा है। वही कुछ पल हैं जो उसने जिंदगी भर के लिए सीने में समेट रखे हैं। उसे याद है बाहर बगीचे में बैठी उसकी माँ बाहर निकलते हुए चांद को दिखाकर सतायु को परियों की कहानी सुनाती थी। वह चुपचाप माँ की गोद में सिर रखकर पल्लू में खेलता हुआ सुनता था। बीच बीच में बहुत सारे सवाल एक के बाद एक करता रहता था।